ऑलरेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया है। साथ ही लालू ने मायावती को 27 अगस्त की रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया था। लालू की कोशिश थी कि मायावती को अपने खेमे में लाकर वो पीएम मोदी विरोधी विपक्षी एकता के केंद्र में आ जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि मायावती ने 27 अगस्त की लालू की रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन सृजन घोटाले की भेंट चढ़ गया। आरजेडी ने सृजन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के इस्तीफे की मांग की है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 900 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले में गिरफ्तार नाजिर महेश मंडल की मौत जेल में हो गई। महेश मंडल की अचानक मौत से घोटाले के कई राज हमेशा के लिए दफन होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आरोपी की मौत के बाद सूबे में राजनीति गर्मा गई है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि सृजन महाघोटाले में ये पहली मौत हुई है। उन्होंने दावा किया है कि मृतक महेश मंडल नीतीश की पार्टी के एक बहुत अमीर नेता का पिता था। सृजन घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आरजेडी सुप्रीमो कोर्ट तक जाएंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि ये घोटाला नहीं बल्कि महाघोटाला है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश को सब पता था लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की है और घोटाला होता रहा। सृजन घोटाले में गिरफ्तार नाजिर महेश मंडल की मौत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में सृजन घोटाले को मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला करार दिया। सृजन घोटाले के मुद्दे पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद तो घोटालेबाजों के सरदार हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश सरकार इस घोटाले में शामिल एक भी आरोपी को नहीं बचाएगी। सृजन घोटाले को लेकर विपक्ष के वार पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि अगर घोटाले की जांच की मॉनिटरिंग कोर्ट करे तो भी राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार पहले ही घोटालों की सीबीआई जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश कर दी है। हालांकि आरजेडी सीबीआई जांच के आदेश से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं नजर आ रही। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया है। मांझी ने कहा है कि अगर उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा तो वो इसके लिए तैयार हैं। कांग्रेसी सांसद रंजीत रंजन के काफिले में चल रही गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रंजीत रंजन सांसद पप्पू यादव की पत्नी है और सुपोला से सांसद भी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने बिहार सहित देश के कई बाढ़ प्रभावित राज्यों को लेकर चिंता का इजहार किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना योगदान दें ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 253 हो गई।